प्रिय विद्यार्थियों, आरसीआई एजुह बानसुर की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फिजिक्स में पढ़ने जा रहे हैं दर्पण समीकरण। हमारा टॉपिक है दर्पण समीकरण, जो कि चैप्टर नंबर 9 है और सेकंड फिजिक्स का टॉपिक है ये। देखो भाई, ये जो टॉपिक है अपना दर्पण समीकरण, इसमें एक सब टॉपिक और है, मीन्स इसमें एक छोटा टॉपिक और है। तो पहले हम इसके अंदर जो सब टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे और हम इसके बाद फिर बात करेंगे दर्पण समीकरण की, मिरर इक्वेशन की। देखिए, इसमें जो दूसरा जो सब टॉपिक है वो प्रतिबिंब के बारे में, भाई कि प्रतिबिंब क्या होता है और प्रतिबिंब किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, उसमें क्या अंतर होता है, ये टॉपिक है। देखिए, पहले हम बात करते हैं प्रतिबिंब की कि प्रतिबिंब क्या है, किसे कहेंगे प्रतिबिंब। देखिए, इसका नाम है प्रतिबिंब, मीन्स फोटोकॉपी, प्रतिछाया। अपने फिजिक्स में जो प्रतिबिंब हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है आभासी प्रतिबिंब। तो पहले हम इसकी परिभाषा की बात करें कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। इसकी परिभाषा आती है कि जब किसी बिंदु से कोई प्रकाश किरण चलकर या प्रारंभिक होकर दर्पण या लेंस से, यानी परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती है तो यह बिंदु प्रारंभिक बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। देखो, जैसे माना कि हमारा कोई दर्पण है, ये इसका हो गया मुख्य अक्ष, इस प्रकार से हमने यह इसे पॉलिश कर दी पीछे की तरफ। माना ये कोई बिंदु है, माना यहाँ से कोई प्रकाश किरण चलती है और ये दर्पण से टकराती है, यह इसका परावर्तन हो जाता है। टकराने के पश्चात माना कि ये कोई दूसरा बिंदु है, यहाँ जाकर के मिलती है, माना कि ए बिंदु मान लेते हैं और हम इसको बी बिंदु मान लेते हैं, तो ये प्रकाश किरण एक बिंदु ए से प्रारंभ होकर बिंदु बी पर जाकर मिलती है परावर्तन के पश्चात, तो ये जो बिंदु बी है ये ए का क्या कहलाएगा, ये इसका प्रतिबिंब कहलाएगा। तो ये परिभाषा है कि जब किसी बिंदु से कोई प्रकाश किरण चलकर परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है तो वह बिंदु उस पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है, ये इसकी परिभाषा है प्रतिबिंब की। समझ गए प्रिय विद्यार्थियों, जो प्रतिबिंब होते हैं ये प्रतिबिंब मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कई बार एग्जाम में छोटा क्वेश्चन में आ जाता है कि वह प्रतिबिंब किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनमें कोई आप दो या तीन या चार अंतर बताइए। तो बहुत ही बेसिक चीज़ है, क्योंकि अपने फिजिक्स में हर बार जैसे दर्पण पढ़ेंगे हम आगे, लेंस पढ़ेंगे, हर चीज़ में प्रतिबिंब आएगा, प्रतिबिंब क्या होता है, बिंब क्या होता है, इस तरह से। तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, इनके दो प्रकार हैं, एक होते हैं वास्तविक प्रतिबिंब और एक होते हैं आभासी प्रतिबिंब। यानी ये दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरे होते हैं आभासी प्रतिबिंब। अब देखिए, इनकी बात कर लेते हैं कि भाई इनकी क्या परिभाषा है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। देखिए, इसके अगर हम परिभाषा की बात करें तो अपन कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण किसी बिंदु से चलकर या प्रारंभ होकर परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती है वहाँ बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है, रियल इमेज कहलाता है। समझ गए। देखो, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि माना कि हमारा इस प्रकार का दर्पण है, इस टाइप का, माना यहाँ से कोई प्रकाश किरण चलती है इस बिंदु ए से, यहाँ जाकर ये टकराती है जहाँ इसका परावर्तन हो जाता है,
और परावर्तन के पश्चात माना कि यह प्रकाश किरण इस बिंदु पर जाकर काटती है या यहाँ मिलती है, तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। जी हाँ, उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए इनकी विशेषता क्या होती है, इनकी विशेषता होती है, देखो इनकी एक शॉर्ट ट्रिक हमने बना रखी, क्या ये तो है वा ओ के नाम से इसकी शॉर्ट ट्रिक है, और इसकी शॉर्ट ट्रिक है आसी आसी। देखो कैसे वा से बन गया वास्तविक, ऊ से बन गया उल्टा, मतलब जो वास्तविक जो प्रतिबिंब होते हैं वो हमेशा भाई कैसे होते हैं, उल्टे होते हैं। उसे क्या बनेगा, उल्टे। कैसे होते हैं भाई, उल्टे होते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रतिबिंब होते हैं हमेशा उल्टे बनते हैं। दूसरी बात, ये जो प्रतिबिंब होते हैं हम इनको किसी भी पर्दे पर प्राप्त भी कर सकते हैं, हम चाहें तो कोई भी पर्दा लेकर के वहाँ इस प्रतिबिंब को हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए आभासी क्या है, आसी इसकी शॉर्ट ट्रिक है। आ का मतलब क्या है, आभासी, और सी का मतलब क्या है, सीधा। भाई आ का मतलब क्या हो जाएगा, आभासी, और सी का मीन्स क्या हो जाएगा, सीधा। मतलब जो प्रतिबिंब आभासी होते हैं हमेशा कैसे होते हैं, सीधे होते हैं। अगर हम इनकी परिभाषा की बात करें तो इसमें इस तरह परिभाषा होगी कि जब प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर जाकर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो वहाँ बनने वाला प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। देखो जैसे जैसे हम यहाँ पे एक दर्पण उत्तल लेते हैं, माना कि एक दर्पण है उत्तल, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ध्रुव हो गया। माना कि यहाँ को प्रकाश किरण यहाँ टकराती है इसके समांतर, इसका यहाँ परावर्तन हो जाता है इस प्रकार से। अगर हम इसको पीछे की ओर डैश डैश से बढ़ाना चाहें बढ़ाते हैं तो ये माना यहाँ जाकर के मिल रही है किसी बिंदु पे, हमें को बिंदु बी मान लेते हैं, यह मिल रही है। तो देखो हमने इसको पीछे डैश डैश से बढ़ाया है, इसमें मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा, आभासी बनेगा, आभासी प्रतिबिंब कहलाएगा। तो यहाँ जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी प्रतिबिंब बनेगा, उसको आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। और इनकी एक विशेषता और होती है कि ये जो प्रतिबिंब होते हैं इनको हम किसी पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, इनको किसी भी पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्यों, क्योंकि इनमें जो प्रकाश किरणें हैं वो पर्दे तक नहीं पहुंच पाती हैं, इसलिए हम इनको किसी पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। जबकि ये जो प्रतिबिंब होते हैं इनको हम किसी भी पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, दर्पण समीकरण पढ़ने से पहले ये हमारा टॉपिक था प्रतिबिंब का, जो इसमें ही ये एक सब टॉपिक है, इसको पढ़ना जरूरी था, हमने इसको पढ़ लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे दर्पण समीकरण। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।